बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीब रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सदारती इंतखाबात की, जहां अपोजिशन तकसीम होती दिखाई देती है और आरिफ अलवी साहब की पोजिशन खासी मुस्तहकम हो गई है इस तकसीम के बाद। क्या वजह बनी कि अपोजिशन किसी एक उम्मीदवार पर इत्तेफाक ना कर सकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान आखिर बुनियादी वजह तनाज़ा क्या है, इस पर आज गौर करेंगे। साथ जो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जाली बैंक अकाउंट्स की बात है, एफआईए में आज चौथी बार साबिक सदर आसिफ अली सरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा की पेशी हुई। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कमर जमान खायरा साहब बताते हैं कि आसिफ अली सरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा मुलजिम नहीं है बल्कि विटनेस के तौर पर यहाँ पेश हो रहे हैं और कोई सवालनामा एफआईए ने उन्हें अभी तक उनके हाथ में नहीं थमाया। आगे चल के हम बात करेंगे वजीर रेलवे जनाब शेख रशीद अहमद साहब की। कल एक बड़ी अहम मीटिंग उन्होंने चेयर की रेलवे हेडक्वार्टर्स में, लेकिन एक अफसर के साथ उनके क्या तल्ख कलामी हुई, किस मौजू पर हुई और उस अफसर ने किस वजह से 2 साल की छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त दी, ये भी आज के प्रोग्राम में हम जेर बहस लेके आएंगे। लेकिन शामी साहब, अमरीका के पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उस पर हम आज खसूसी नशस्त करेंगे कि जो पोम्पियो साहब की कॉल आई इमरान खान साहब को, उस तरह उसमें क्या गुफ्तगू हुई, उस पर क्या तनाज़ा बना और अब मुस्तकबिल क्या इन ताल्लुकात का। सेंटर जॉन मैकेन इंतकाल कर गए, सदर ट्रंप मुश्किल में दिखाई देते हैं, ये तमाम मामला जो अमरीका से जुड़े हैं वो भी आज के प्रोग्राम में डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब से हम डिस्कस करेंगे। इन सब मौजूदात पर आने से पहले एक इंतहाई अहम मसला जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहे हैं, हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों का मामला, उस पर आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सर एक करारदाद पेश की गई है शिबली फराज साहब की जानिब से, जिसमें उनकी मजम्मत की गई है उन खाकों की, उस कैंपेन की जो हॉलैंड में हम देखते हैं, सुनने को और देखने को मिलती है। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आला पाकिस्तान खुद तशरीफ लाए, उन्होंने भी इस पर इजहार ख्याल किया। जमात इस्लामी के सेंटर हैं मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने कहा कि जी 2 माह पहले से मैंने तवज्जो मबसूल करा रखी थी तो मेरा नाम भी उसमें शामिल करें। शरी रहमान साहिबा ने लफ्ज़ जो नदरलैंड है उसकी तस्ही की और बरिस्टर अली सैफ जो हैं उन्होंने फिर बैन अल-अक़वामी कवानीन की रोशनी में ईवान को आगाह किया। तो इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा खिताब इस मौके पर किया और कहा कि आलम इस्लाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, ये हमारी नाकामी है, अगर हम मुत्तहिद होते तो इन मामलों को हम डील कर लेते। मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले आप इस पर बात करें, पहले वज़ीर-ए-आज़म का बयान सुन लें। देखिए जी, हम UN में भी इंशाल्लाह ये सितंबर में उधर भी रेज करेंगे, हम OIC को इसके ऊपर पहले मुत्तफिक करते हैं। ये जो आप बार बार ये चीजें होती हैं, ये कलेक्टिव फेलियर है मुसलमान दुनिया का, क्योंकि बहुत पहले OIC को बैठ के इसके ऊपर एक सीधी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी और उनको बड़े फोरम्स के ऊपर कन्विंस करना चाहिए था कि अगर आप यूरोप के अंदर 4 यूरोपियन मुल्क में, मेरे ख्याल में जो लास्ट मुझे पता है, होलोकास्ट के ऊपर इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी जेल सेंटेंस है, हम रेज करेंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनका जो मीडिया में इतना बड़ा कंसेंसस बन चुका है वो उसका ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मुसलमान दुनिया को पहले एक हो, एक चीज पर इकट्ठे हों और फिर वो उनको कन्वे करें कि ये इसका हमें कितनी तकलीफ है। शामी साहब, नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक मसला सिर्फ किसी एक मुल्क का नहीं है, पूरे आलम इस्लाम का है, बल्कि आलम इस्लाम क्या, हर आलम इंसानियत का है। देखिए, अभी मैं एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज किसी ने किया हुआ था कि अगर आप किसी काले पर अटैक करें तो कहता है ये नस्ल परस्ती, जी हां, रेसिज्म। किसी खातून पर को हमला हो तो वो कहती है ये जेंडर बायस है, इनडिस्क्रिमिनेशन है, और किसी तक हम जिन्स परस्त को भी आप टोके तो वो कहता है कि इंटॉलरेंस है। बिल्कुल। और यानी एक किसी भी मसले पर जब आप तनकीद करते हैं तो आपको बड़ा सख्ती से जवाब मिलता है। और भी जो हॉलोकॉस्ट की बात कर रहे थे इमरान खान, तो वहां अगर आप ये जिक्र कर दें कि ऐसा नहीं हुआ या कोई तफसील इसकी मुख्तलिफ है या तशरीह करें, आप तशरीह करें तो आपको सजा मिलती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी, जी बिल्कुल, जो मुसलमानों के लिए एक सबसे बड़ी हैसियत और अहमियत रखती है, जिन पर जिनके नाम पर कट मरने को बिल्कुल हर कलमा को तैयार रहता है, कोई शक नहीं, उनके साथ इस तरह का तौहीन अमेज मामला करना। अभी हॉलैंड में उन्होंने कहा कि हम एक बाकायदा जमात है वहाँ जो कहती है कुरान को बैन कर दो, मुसलमानों को बैन कर दो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजाब पर पाबंदी, खाके जो हैं जी या कार्टून अस्तगफिरुल्लाह, उनका मुकाबला कराने का ऐलान किया है उसने। और ये एक ऐसी तकलीफ दे सूरत हाल है, इस पर हम सबको मुत्तहिद होकर बात करनी होगी
और वज़ीर आज़म ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि जब वो अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जाएंगे जी, जी। तो ये सवाल वहाँ उठाएंगे अपनी तकरीर के दौरान। आप देखिए डेफिनेशन हद तक इज्जत का जो कानून है वो दुनिया में हर जगह मौजूद है, हर मुल्क में। आप किसी एक शख्स की तौहीन करें आपके खिलाफ कानून हरकत में आ जाता है। बिल्कुल। तो जो दुनिया की यानी जिस पे अरबों अफराद जो हैं जिसको जान से और माल से अपनी ज़ात से अजीज रखते हैं और जिसके एक इसके नाम पर कट मरने को तैयार रहते हैं उनकी इज्जत का तहफ्फुज़ ना किया जाए, ये कौन सा अदारे राय की आजादी है? इसको सवाए इसके फितने परवरी के इसको कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता और इसका शिद्दत से मुकाबला करना चाहिए और जो भी कुछ बस में है वो जरूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब आ जाते हैं सदारती इंतखाब की जानिब। सर इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जो मरी मिशन है वो भी अपोजिशन का नाकाम हो चुका है। एतजाज़ हसन साहब के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजद है और बाकी अपोजिशन जमातों ने मौलाना साहब का नाम लिया है सामने, तो तीसरा नाम आरिफ अलवी साहब का है। ये जो अपोजिशन की तकसीम हमें देखने को मिली है इसकी बुनियादी वजह आपको क्या समझ आई है? देखिए इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के साथ भी चलने की चाहती हैं तासुर देना चाहती हैं और एक दूसरे के साथ भी नहीं, दोनों के मुफादात जो हैं वो यकसा नहीं है। पीपल्स पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ इंतखाबात में 2018 के, उनके फायदा हुआ कुछ, उनको कुछ नशिस्तें ज्यादा मिल गई 32 लाख की नस्बत 38 लाख वोट में और उनका जो सूबा है वो महफूज है, सिंध में उनकी अमलदारी है, मुस्लिम लीग नून जो है वो मरकज में भी इख्तदार से गई, पंजाब से पंजाब में भी इख्तदार से गई। अब लेकिन जरदारी साहब जो हैं बड़ा उनका एहतराम है लेकिन जिस तरीके की सियासत उन्होंने की जब ये इत्तेहाद हुआ आपको याद होगा तो शहरी रहमान साहब ने यह ऐलान किया कि वजीर आजम का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून नॉमिनेट करे। जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया तो उन्होंने कहा इन्होंने तो बड़ी गुस्ताखी की हुई है जरदारी साहब के हजूर, इनका नाम हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, इनका नाम बदले। मुस्लिम लीग नून ने नाम नहीं बदला, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिए। अब सदारती उम्मीदवार का मरहला आया। अब ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि अगर ये सारी जमातें इकट्ठी होंगी बिल्कुल फिर तो बराबर का जोड़ पड़ेगा। अगरचे के अगर नंबर गेम को देखें आप तो आरिफ अलवी साहब का पलड़ा उस वक्त भी भारी हो सकता है 346 और 320 का मुकाबला, लेकिन मुकाबला तो होगा ना, अच्छा मुकाबला होगा। अच्छा अब अगर दो उम्मीदवार होते हैं तो फिर तो जाहिर है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो सदर मुंतखब हो जाएंगे वाज़ेह तौर पर। अच्छा अब यानी यहाँ पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर ही नॉमिनेट कर दिया एतजाज़ अहसन साहब को। अब एतजाज़ अहसन साहब जो हैं उनके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं, जो एक ज़माना तो वो था कि वो नवाज शरीफ के वकील बन के अदालत में भी पेश हुए थे, फिर एक ज़माना वो था कि जब नवाज शरीफ के साथ निकले अदलिया बहाली तहरीक लॉन्ग मार्च और गुजरांवाला पहुंचे तो केयानी साहब की कॉल ने मुतालबा मंजूर होने की खबर दे दी, तो दोनों एक ही साथ साथ बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर एतदाद अहसन साहब के लहजे में तलखी आ गई। उसकी एक वजह यह भी है कि 2008 का जो इंतखाब था उसमें उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि वकला ने इलेक्शन बाइकाट का ऐलान कर दिया था, लेकिन उनकी बेगम साहबा जो थी वो उम्मीदवार थी और समझा यह जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट करेगी या उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, ऐसा ही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ऐसा नहीं किया, ये उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए था, ये अच्छी सियासत का ये तकाजा होता। बस उस दिन से फिर तफरका पैदा हुआ है और एतजाज़ साहब जो है एतजाज़ साहब कोई मौका नहीं जाने देते जहां तीर ना बरसाते हो तनकीद का। अब मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नहीं साहब परवेज रशीद साहब ने किया तो माफी मांगे तो फिर इनके मामले पे गौर करेंगे। अब एतजाज़ हसन कहते हैं ये तो जागीरदाराना मुतालबा है। जरा सुनाना तू जरा इस मौजू पर जो सियासतदानों ने इजहार ख्याल किया, पहले जरा जिस जानिब शामी साहब इशारा कर रहे हैं एतजाज़ हसन साहब उनका बयान सुनिए जरा क्या फरमाते हैं वो। मैं जम के खड़ा हूँ अपने पैरों पर फर्मली ऑन द ग्राउंड, आई एम ए कैंडिडेट, ये पार्टी का फैसला है, पार्टी की क्यादत का फैसला। परवेज रशीद साहब एक मोतबर प्रोग्रेसिव दानिश्वर
हैं और मैं समझता हूँ जो उनका मुतालबा था वो कुछ जागीरदाराना था, जो कि मुस्लिम लीग नवाज के किसी और लीडर ने नहीं किया, ना वो पार्टी पोजीशन है। पीटीआई को अगर दो कैंडिडेट्स अपोजिशन के हुए तो यकीनन पीटीआई को फ़ायदा पहुंचेगा, और यही कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन को। अच्छा सर, ये तो आपने बैकग्राउंड दे देने सारे मामले का। अब क्योंकि उन्होंने यकतरफा तौर पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। कायरा साहब कहते हैं जी खड़ा नहीं किया था, हमने तजवीज़ किया था उनका नाम, और जो उनका शिकवा है अपोजिशन पार्टियों का वो उनका बजाय है, एतराज़ करते हैं, एतराफ़ करते हैं कि बजाय है शिकवा, लेकिन हमने तजवीज़ किया था, नामजद नहीं किया था। फिर ये ऐलान कर देते कि हमारी तजवीज़ होगी, फिर उस पर डट के वो खड़े हो गए। और ये क्यों कहा सरदारी साहब ने कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता इनका नाम वापस लेने का। बल्कि मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातें तो पीपल्स पार्टी में से दूसरा कोई शख्स नॉमिनेट करने पर तैयार जी, यूसुफ रजा गिलानी साहब जी जी, और रजा रबानी साहब उनका इसमें से कोई शख्स हो सकता। कुछ लोगों ने फरतुल्ला बाबर साहब का नाम भी लिया। देखिए बात यह है, एतदाज एहसन साहब को खुद बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। वो कहते मेरी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, आप मुश्तरका उम्मीदवार लाएं, मेरी पार्टी इजाजत दे दे और मुझे इस आग में ना झोंके। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। फिर अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम पेश हो गया, बाकी सारी जमातें उन पर मुत्तफिक हैं। मौलाना की बड़ा एक अपनी शख्सियत है, और जिस ज़ोरदार तरीके से उन्होंने इंतखाबात के मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो आतिशी लहजा इख्तियार किया, उसने उनकी शख्सियत जो है उसको मज़ीद तवाना कर दिया। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, अब ज़ाहिर है कि वो पीछे नहीं हट सकते, तो फिर होना ये चाहिए था मौलाना फजलुर रहमान ही ये ऐलान कर दें कि भाई आप एक ही उम्मीदवार ले आए, दो उम्मीदवार दोनों को मालूम है, हमें शिकस्त यकीनी है, 100% यानी 90% भी नहीं, 80% भी नहीं, 75% भी नहीं, 100%। तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो अपोजिशन का इत्तहाद जो कायम करने की बातें होती हैं वो कायम नहीं होगा, और इनके दरमियान तलखी बढ़ेगी। जहरी सी बात है। और अब भी अगर गौर कर ले, मौलाना ने भी शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे कुछ अचानक मिला है कि वो कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो ये मतलब ये है कि अब तो कुछ चारा जरदारी साहब से तो उनकी जो कनेक्शन है ना वो भी कुछ हमवार नहीं है। कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है। हाँ। ये सब सियासत होती है जो एक वक्त की हालात की पैदावार होती है। बल्कि जरदारी साहब ने तो उनके किरदार पर भी कुछ सवालिया निशान बताइए, अपना उम्मीदवार यकतरफा तौर पर खड़ा करके बजाय इसके उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो, वो सवालिया निशान अपना उठा के मौलाना फजलुर रहमान के। मैंने मुशाहिदुल्लाह खान साहब का आज मैंने एक बयान देखा है जिसमें उन्होंने सारी कहानी को अपने खास अंदाज में बयान किया है, जरा उनका शिकवा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। बात बताएं कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि आप पूरी अपोजिशन को मतलब के सरफे नज़र करके अपना कैंडिडेट पुट करें और पूरी अपोजिशन को कहें कि इसको, चाहे वो एतराज की मैं बात नहीं कर रहा कोई भी हो, कि जी इसको आप वोट दें, क्यों दें भाई, सबसे बड़ी पार्टी तो इलेक्टोरल कॉलेज में हम हैं ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के उसके बाद आता है ना पीपल्स पार्टी का नंबर, तो जमहूरी तकाजा ये है कि आपस में बैठ के बात करें, हम उन्हें भी सपोर्ट करने, आप हमारा जमहूरी रवैया देखें, हमारी बर्दाश्त का लेवल देखें कि अभी उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, मतलब के वादा करने के बावजूद फिर भी हमने कहा कि बात करते हैं, हमने उनसे बात की, और पीपल्स पार्टी के मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, उनकी जो मेन लीडरशिप है उसकी गालिब अक्सरियत जो है उनका रवैया जमहूरी है, लेकिन कुछ लोग जिनकी चलती है उनका नहीं है, जिससे वो भी लोग मेरा ख्याल है खुश नहीं है, लेकिन ये कोई रवैया नहीं है कि आपने दो APCs हुई हैं उसमें जो फैसले हुए हैं आपने उन्हें दरखोर इतना ही नहीं समझा, अभी मरी में आपने फैसला किया कि जी आपके लोग मौजूद थे वहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी से लेकर खुर्शीद शाह और दीगर, कि जी आप पैनल ऑफ कैंडिडेट देंगे, आपने नहीं दिया कि जी इसको हमने खड़ा कर दिया, इसको सपोर्ट करो। तो ये दुनिया में ये कौन सी जमहूरियत है, कौन से मुज़ाकरात हैं, कौन सा तौर तरीका है? तो जब फिर नून लीग को इस बात का इल्म है तो फिर काहे कि तगोदो में मसरूफ है पाकिस्तान? नहीं, इससे तो बेहतर था कि ये ऐलान कर देते कि भाई आरिफ अलवी साहब जो हैं एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। आरिफ अलवी साहब ने आज ये कहा है,
उनका अच्छा होता कि बाकी जमाते क्योंकि बजाय इसके तो उनको बिलवास्ता सपोर्ट करने की बजाय बराह रास्त सपोर्ट कर देते, और सदर पाकिस्तान के तौर पर अगर वो इत्तफाक राय से मुंतखब हो जाते तो इसमें क्या मजायका था। देखिए एक एक ऐसे रोशन ख्याल शख्स हैं, रोशन किरदार शख्स अलवी साहब, अलवी साहब मैं तो उनका बड़ा मद्दा हूँ, और मद्दा तो मैं इत्तेदाद अहसन का भी हूँ और मौलाना फजलुर रहमान का भी, लेकिन भाई को ढंग की बात तो करो ना। जो अब ये प्लेट, ये तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा। लेकिन इत्तेदाद अहसन साहब क्यों कभी कभी फिसल जाते हैं, मालूम होता है बयानात देते दे, इत्तेदाद अहसन साहब का एक अपना मामला है। देखिए हमारे यहाँ सियासत में जुबान कब किसकी काबू में रही है, वो बेकाबू जुबान तो होती रहती है, लेकिन हमें वसीतर मुफाद में इनको आगे बढ़ना चाहिए था और आपस के ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। चलिए अब जो कुछ भी होगा, हमने कोई इनका ठेका तो नहीं ले रखा ना, और हमें कोई डॉक्टर आरिफ अली साहब जो हैं को हमें कोई उनसे बुक्स थोड़ी है कि हम कहें जनाब हर कीमत पे एक पहलवान उनके मुकाबले में खड़ा करो। ठीक है, दो से दो ही सही, तीन तो तीन ही सही। आज डॉक्टर साहब को पेशगी मुबारकबाद, चलें वो तो उनकी यकीनन उनके हक में आ रही है। अच्छा सर, कल ये वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने एक रेलवे हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग चेयर की थी, उसमें सीपैक और रेलवे का जो किरदार है उस पर ब्रीफिंग दी जा रही थी। तो उस मौके पर जब एक बड़े सीनियर ऑफिसर जो हैं वो उन्हें ब्रीफ कर रहे थे, इशफाक खटक साहब जो फेडरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और सीपैक का जो रेलवे का मनसूबा उसको हेड कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। तो रिपोर्टेडली जो वहाँ पे फिर लोगों ने सुना देखा उसके मुताबिक शेख साहब ने जब वो स्लाइडों के ज़रिए प्रेजेंटेशन दे रहे थे, शेख साहब ने ये फरमाया रिपोर्टेडली कि रज़िया बाट का नावल ना सुनाएं। तो उस पर हनीफ गुल साहब जो चीफ कमर्शियल मैनेजर हैं सीसीएम रेलवे के, उन्होंने अपना माइक ऑन किया और उन्होंने कहा कि ये सीनियर अफसर हैं, उनकी बात आप ऐसे नहीं काट सकते और इस ज़ुबान में, इस लहजे में आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो कहा जाता है जी उस मौके पर शेख साहब ने उन्हें कुछ शट अप कॉल दी है, उसके जवाब में उन्होंने भी वही जुमले दोहराए जो शेख साहब ने दोहराए। तो उसके बाद वो उठ के चले गए, वॉकआउट किया, और उन्होंने बाद में एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा जी ये रवैया इनका और 2 साल के लिए मुझे छुट्टी दी जाए, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। खासे पढ़े लिखे अफसर हैं वो, ये जो अफसर है इनके ऊपर आज एक तहरीर में तो पढ़ा था, ये तो जो आपकी तहरीक इंसाफ है उनकी ट्वीट्स भी मैं देख रहा था कि कई उन लोग उनके बारे में अच्छे जज्बात का भी। ये शाहिद भट्टी साहब हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक तहरीर आज लिखी हुई है एक पोर्टल पर, वो बताते हैं कैसे ये ग्रो किया इन्होंने हनीफ गुल साहब ने और किस हद तक ये पूरी उम्मीद थी इमरान खान साहब से, किस हद तक वाबस्ती की थी, लेकिन चूंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो कहा जाता है कि ख्वाजा सार रफीक साहब ने इनको मेनटेन किया और इनके साथ काम करने में उन्होंने बेहतरी समझी और काम करने का मौका दिया गया। तो अगर वो पीटीआई के बज़ाहिर लगता है कि हामी हैं और उम्मीद थे खान साहब से, तो अगर वो काम कर रहे थे और उनको अगर इंटरप्ट करना पड़े, असल बात करना ये है कि हामी हो या मुखालिफ हो, सरकारी अफसर तो सरकारी अफसर होना चाहिए उसको। बुनियादी बात ये है कि देखिए तब्दीली आ गई है। वो कैसे? इसलिए कि अब आप अफसरों की इस तरह बेहरमती नहीं कर सकते, आप टॉक शो में हर वक्त नहीं बैठे होते, जो मीटिंग्स होती शेख साहब एक सर्दो गर्म चशीदा शख्स हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई अपने अफसरों से किस तरीके से बात करनी है, अपने हरीफों से किस तरीके से बात करनी है, सही है। और यानी इज्जत करने के लिए इज्जत करनी पड़ती है। और अब ये सरकारी अफसर, अभी तो आप देखिए डीपीओ पाकपटन जो है उनका भी ट्रांसफर किया गया, तो उनको उन्होंने एक शख्सियत को रोका और वो नहीं रुकी और उनसे झगड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा आप उनसे माफी मांगे जाके, उन्होंने कहा मैं तो नहीं मांगता, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये अच्छे आसार नहीं है। आपको एक आदाब के दायरे में लोगों को डील करना चाहिए, अफसरों की भी अपनी इज्जत हो। आप तो कह रहे हैं हम ऑटोनॉमी देंगे पुलिस वालों को और केपीके की पुलिस लेके आएंगे, या यानी उसके उस तरह मोहम्मद ताहिर साहब आ रहे हैं यहां पर, आईजी इमकान तो यही है ना, जो भी आएगा। सवाल ये है कि इस तरीके से सियासी दबाव बढ़ाना और सियासी फैसले करना, और शेख साहब जो है वो भी समझ लें, आप अच्छे तरीके से लोगों से डील करें और उनके दिल जोई करें। पाकपतन वाले वाकये पे भी थोड़ी देर पहले जो आईजी ऑफिस वहाँ से बताया जा रहा है उनके तर्जुमान की जानिब से कि जी ये किसी दबाव पर नहीं इनका ट्रांसफ़र किया गया, को गलत बयानी का मामला था, पाकपतन से शहरियों की पुलिस के साथ जो कुछ बदतमीज़ी रिपोर्ट हुई उस पर उन्होंने उमर गोंदल साहब ने बार बार गलत बयानी से काम लिया, ये वो वजह बताते हैं आईजी ऑफिस से जो वजह बताई गई है
सोशल मीडिया पे जो मैंने कुछ देखा है उसकी तायद नहीं करती जी। ये आईजी ऑफिस का एक रवायती बयान है और इसको कबूल नहीं किया जा सकता। इसकी तहकीकात होनी चाहिए बाकायदा और देखना चाहिए कि आईजी ऑफिस से गलत बयानी तो नहीं की जा रही। बिल्कुल। और अगर और इस देखिए ये इमरान खान साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए इसका, बल्कि मैं तो समझता हूं चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल। आप चीफ जस्टिस ने नैब के मामले पे साकिब निसार साहब ने वो मैं करता हूं बात नैब के मामले में उन्होंने कहा है कि आप लोगों को साथ इज्जत से पेश आए। ये जो उनकी आज मुलाकात हुई इस पे ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। शामी साहब ने जिक्र छेड़ा कि आज चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की है चेयरमैन नैब ने, उनके चैंबर में जाकर क्या गुफ्तगू हुई इस पर शामी साहब क्या कह रहे हैं, एक ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे। वेलकम बैक जी। कुछ सुबाई कैबिनेट्स का भी हमने जिक्र करना, लेकिन शामी साहब ने ब्रेक से पहले जिक्र किया था जो चेयरमैन नैब गए हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से जाके मिले हैं, तो शामी साहब चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया है कि जनाब जब तक रेफरेंस किसी के बारे में आप दायर करते हैं तो उसको राजदारी उसकी मेंटेन की जाए और तजहीक का पहलू कोई भी जो है असल में ना निकले उससे गुरेज। बताइए जो डी पी ओ पाकपट्टनम थे उनका नाम क्या है? रिजवान गोंदल साहब। रिजवान गोंदल साहब को शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने गलत हुक्म नहीं माना और अपनी ट्रांसफर कबूल कर ली। कुडलान लगा देंगे देखी जाए। बात यह है चीफ जस्टिस साहब ने आज यही बात कही है और चेयरमैन नैब भी गए। बात यह है भाई जब आप किसी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करते हैं हाँ जी। उसी वक्त खबरें देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। टिकर लगवाना शुरू कर देते हाँ जी, हैं हाँ जी। उसके तो सारी तौहीन करते हैं आप। आप इंक्वायरी कर रहे होते हैं किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं होते। तो अगर हम इंसानों की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर ये पाकिस्तान जो था हमने तो बनाया इसीलिए था, इज्जत नफ्स की बड़ी हिफाजत होगी। तो चीफ जस्टिस साहब का बिल्कुल बजा एक इसरार है और मैं उनसे भी अदब गुजारिश करूंगा कि जब उनकी अदालत में लोग पेश हों तो जरा उनका भी ख्याल किया कि ठीक है नहीं, वो तो बड़ा ख्याल रखते हैं जी। बड़ी अच्छी बात। हाँ। अच्छा सर, अब जरा कैबिनेट्स का जायजा लेना है क्योंकि सबसे बड़े सूबे पंजाब की 23 रुकनी जो काबीना उसने आज हलफ उठा लिया है, बलूचिस्तान की भी 11 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है, केपीके में जो हलफ बर्दारी का मामला था वो मौखर हो गया, दो चार लोग ऐसे हैं जिनको कुछ महकमों की तकसीम पर कुछ तहफ़ुज़ात हैं इस वजह से वो अभी मौखर कर दिए कुछ अरसे के लिए। बहरहाल पंजाब की 23 रुकनी काबीना सर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पंजाब काबीना में 5 वज़रा का ताल्लुक लाहौर शहर से है, 3 रावलपिंडी, 2 फैसलाबाद, 2 राजनपुर और 2 का ताल्लुक कसूर से और बाकी कोई 3-4 और शहरों से हैं। बाकी ठीक है, इसी तरह होना था और क्या होना था। अब उसमें अलीम खान साहब सीनियर अलीम खान साहब सीनियर वजीर हो गए। हाँ जी, वजीर आला जो हैं तो के वजीर आला बनना चाहते थे, नजर उनकी थी, लेकिन चलिए तेरा आस्तां जो ना मिला हाँ। तेरे रहगुजर की जमी सही, हमें सजदा करने से काम है जो वहां नहीं तो यही सही। सीनियर वजीर है और वजीर बल्दियात है, बड़ी अच्छी बात है। कलमदान उनके और एक हमारे वो जो आप देखिए चौधरी अकरम साहब जो हैं वो कालम निगार हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर, वो पॉलिटिकल एडवाइजर। हमने आज उन्हें ज़हमत दे रखी थी लेकिन मेरे ख्याल हलफ बर्दारी के बाद कुछ मसरूफियत, यानी उन्होंने उनसे पूछा था कि बताइए पाकपट्टनम में क्या हुआ, उन्होंने ज़हमत गवारा नहीं की, टेलीफोन बंद हो गया उनका। नहीं वो कहते हैं जी मैं थोड़ी देर बाद रابطہ करता हूं। चलिए अब वो तो रابطہ फिर हमारे प्रोग्राम के बाद, थोड़ी देर जो है वो खत्म नहीं हुई अभी। ठीक, तो अगर सियासी एडवाइजर जो है उनको जरा मुस्तैद भी होना चाहिए। और ये जो आपके आप देखें ना फयाजुल हसन चौहान साहब तो बड़े वजीर इत्तलात और कल्चर आतिशी मुहाफिज थे, तहरीक इंसाफ के शोले उगलते थे। आप देखिए वजीर बनकर क्या करते हैं, वजीर बनकर जो पहली तब्दीली मैंने देखी उनकी जो ट्विटर की बायो थी, जो बायोग्राफी थी उसमें एक हिटलर साहब को पसंद थी, उन्होंने कहा था फारूक आजम पसंद है मुझे और हिटलर पसंद, तो वो उतार दिया उन्होंने। अच्छा हिटलर की जगह खान साहब का नाम रख, हिटलर से उतार दिया। अच्छा वो देखे ना, अब तो जिम्मेदारी मिल गई ना सर, अब तो ये तब्दीली तो आ गई, तब्दीली आ गई है। अच्छा उसके बाद आप ये देखिए कि जो मखदूम हाशिम जवान बख्त हैं जो खुसरो बख्तियार साहब के भाई हैं उनको खजाना का नाम आ रहा था लेकिन खजाना बनेंगे लेकिन उनको वजारत मिली है लेकिन खजाना। अच्छा अभी 6 से ज्यादा ऐसे पोर्टफोलियोज हैं लोगों के जो अभी डिसाइड नहीं हुए, तो जो डिसाइड हुए उनका हम जिक्र कर रहे हैं। जो मोहसिन बुखारी साहब हैं, मोहसिन लगारी साहब हैं, सप्तान खान हैं, सरफराज हैं, तो सारे अकोमोडेट हो गए। हाँ जी, ये जो जितने लोगों के हमने नाम लिए थे चीफ मिनिस्टर्स के लिए वो सारे कैंडिडेट आ गए। राजा यासिर हुमायूं सरफराज की आप बात करें तो उन्हें अच्छा एक पोर्टफोलियो मिला है, एक तो यूथ का और जो हायर एजुकेशन का, टूरिज्म का।
हबीब अकरम साहब तो बड़ा जोरदार तरीके से कह रहे थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की काबीना जो है उसके मुकाबले में ये भारी है, एक एक का नाम लेकर उसका वजन कर रहे थे। लेकिन यास्मीन राशिद भी तो आ गई ना, उनको सेहत का कलमदान मिला है, बहुत अच्छा। ये सेकेंडरी जी हेल्थ जी अच्छा प्राइमरी हेल्थ। मियां असलम इकबाल साहब को इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट का ठीक हो गया और काफली की बड़ी हेल्दी नुमाइंदगी हमें देखने को मिली। बशारत राजा चौधरी जहीरुद्दीन साहब हैं और इनको पोर्टफोलियो अभी डिसाइड नहीं हुआ, बशारत राजा साहब हैं और इनको वो पार्लिमानी उमूर का बड़ा हम और लॉ का नहीं, जहीरुद्दीन तो पीटीआई में चले गए थे, वो जब जो शुजात साहब की किताब की लॉन्चिंग थी तब तो वहां पाए गए और इत्तला ये थी कि वो नहीं गए, वो इधर उधर होते रहे, इधर उधर होते। मेरा आखिरी खबर आने में वो पीटीआई में थे, पीटीआई में थे। ठीक है, अब काफली के एक और हाफिज अम्मार यासिर हैं जिन्होंने ये गुस्ताखाना खाकों पर पंजाब असेंबली में करारदाद पेश की थी, इन्हें भी पोर्टफोलियो मिल गया। इनको राजा बशारत जो है वो क्या वो पीटीए में नहीं है? नहीं, वो अच्छा, तो काफलीग में लीग में सर, वो बिल्कुल काफलीग में और उनको वजारत मिली हुई है जी पार्लिमानी। असल में काफलीग और पीटीए में पता नहीं चलता, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है। मुराद राज साहब को लाहौर से वजारत मिल गई और चौधरी परवेज अल्लाही साहब ने अभी तो कायम मुकाम गवर्नर है और जो वोट देने के बाद सेनेट में तो हमारे जो है चौधरी सरवर साहब वो इस्तीफा देंगे फिर गवर्नर बनेंगे और चौधरी साहब अभी मैं कहता 3-4-5 दिन जो है लुत्फानंदोज होंगे गवर्नर। एक और हमने नाम लिया था एक नौजवान का अंसर मजीद नियाजी, उनको भी वजारत मिल गई लेबर एंड मैन पावर की। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा सर, असल में देखिए असल में ये बात यह है कि ये जो बुनियादी फर्क है एक ये जो काबीना है ना, खान साहब ने यह कहा है कि ये बाइख्तियार होगी, हर वजीर अपने महकमे का कुल्ली इंचार्ज होगा। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब जो पहले हमारी काबीना थी ना शहबाज शरीफ साहब की, उनमें से सिर्फ हमारे राणा सनाउल्ला साहब और एक दो और हजरात ही ऐसे थे। या आखिरी दिनों में हमें मलिक अहमद खान दिखाई दिए। मलिक अहमद खान तो वजीर नहीं थे ना, वो तो मुशीर थे और उनके पास महकमा नहीं था, वो बेमहकमा थे, यानी स्पोक्समैन थे, तर्जमान थे। अब ये जो वजीर थे वो काम करने से पहले वो देखते थे चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ और काम के दौरान भी देखते थे और काम के बाद भी देखते थे। तो ये अगर वजीर जो है वो बाइख्तियार होंगे तो उसके भी अच्छे असरात मरतब होंगे, उनको अपने महकमों के फैसले करने चाहिए और चीफ मिनिस्टर को उन्हें मॉनिटर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, और फिर इमरान खान साहब को उन सबको मॉनिटर करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लीजिए एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो पाक अमरीका ताल्लुकात का तफसील से जिक्र होगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी शामिल साहब, ये पंजाब कैबिनेट में तस्हीह पंजाब कैबिनेट का हम जिक्र कर रहे थे, जो हाफिज अम्मार यासिर हैं ये सिर्फ काफलीग से हैं जिनको पंजाब कैबिनेट में नुमाइंदगी मिली है बहसियत वजीर, बाकी राजा बशारा साहब रावलपिंडी से और सिकंदर साहब ने अभी मैसेज किया। अच्छा नहीं, और उमर शामी साहब का फोन भी आया। अच्छा भाई, वो राजा बशारत साहब जो है जी वो तो पीटीआई को प्यारे हो चुके, दोनों राजा बशारत भी और चौधरी जहीरुद्दीन भी, ये दोनों पीटीआई के टिकट पर लड़े और जीते और अब कैबिनेट का हिस्सा बने, ये तस्वीर जरूरी थी। एक कैबिनेट में एक और अंसर मजीद नियाजी का हम जिक्र कर रहे थे, तो खान साहब ने कुछ 40 के करीब उम्मीदवारों को इंटरव्यू किया कैबिनेट के लिए, तो इनको उन्होंने मिनरल की वजारत जो है वो प्रपोज की, मादनियात की, उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा, उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं लूंगा, मेरी अपनी मिनरल, क्योंकि मेरे अपना ये काम है तो मैं ये काम, हाँ जी माइंड्स हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इस पर खान साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया और फिर उनको दूसरी एक वजारत जो है वो उनसे दे दिया। एक बात यह है, अभी मुश्ताक जावेद साहब ने मियामी से ये इत्तला दी है कि हमारे बहुत बड़े डॉक्टर अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर डॉक्टर सईद बाजवा, हाँ जी हाँ जी, जो न्यूरो सर्जन बहुत बड़े अलील हैं सर, वो शदीद अलील हैं, बल्कि उनके वेंटिलेटर पर हैं, उनको बोस्टन मुंतकिल किया गया है। ठीक, तो हम अपने तमाम अहले वतन से अपील करते हैं उनके लिए दुआ सेहत की। अच्छा सर, आप आ जाते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात का जिक्र करते हैं, इसमें वजीर आजम साहब की और माइक पोम्पियो की टेलीफोनिक गुफ्तगू से एक नया तनाज़ा जन्म लिया, उस पर स्टेट डिपार्टमेंट का अपना बयान है, हमारी वजारत खारजा का अपना बयान है, इस पर बात करते हैं और अमेरिका की ओवरऑल सूरत हाल पर इसके लिए हमने ज़हमत दे रखी है जनाब डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब को। जब तक हमारा बयानिया सामने आया है उसके बाद तो अमेरिका ने कुछ नहीं कहा जी। अब डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब साउथ एशियन प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं जी यूएसआईपी में, यानी यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के। डॉक्टर साहब वेलकम बैक। डॉक्टर साहब ये बताइए, अमेरिका के बारे में बात करते हैं, जॉन मकेन से शुरू करते हैं जी, जिनका इंतकाल हो गया 81 साल की उम्र में और पाकिस्तान के बड़े दोस्त थे और इस लिहाज से पाकिस्तानी उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। आज आर्मी चीफ ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया और वो आप कैसे याद करेंगे उनको?
देखिए इसमें तो कोई शक नहीं शामी साहब, ऐसे दारुल खिलाफे में जहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का जो एक पर्सपेक्टिव है बहुत ही मनफी है। मिकेन साहब थे, गुलिंजी ग्रैम साहब थे, वो बारह पाकिस्तान आए भी, आके उन्होंने काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जो यहाँ पे सारी कोशिशें हैं उनको सराहा भी, तो वो देखे जाते थे एक ऐसे शख्स जो बैलेंस्ड व्यू लेते थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पाकिस्तान के ही हक में बात करते थे, लेकिन जहाँ इतना मनफी तासुर था उन्होंने बारहा एक व्यू दिया जिसमें पाकिस्तान का भी मौकफ सामने आया। मैं आपको ये बताऊँ हैरान कन बात, ख्वाजा आसिफ जो है वो उन पर बरस पड़े वहाँ ये जब अमेरिका गए इतला हमें मिली कि वहाँ काफी देर उनका चर्चा करते रहे मनफी अंदाज में। ये आपने गलत सवाल पूछा है क्योंकि मैं उनके साथ वहाँ मौजूद था, ये मेरे फिर आप यानी शायद हैं यूएसआईपी में ये बात हुई थी और उन्होंने काफी उन पर लानतान और मलामत की। वो असल में उस वक्त उन्होंने कोई वियतनाम की बात की थी कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वियतनाम के तरह है और उससे कोई मिसाल दी थी, तो ख्वाजा साहब उन पर टूट पड़े। तो बाद में बल्कि मुझे किसी का वहां से मैसेज भी आया कि पाकिस्तान के एक आधी कोई ऐसे हलीफ यहाँ पे हैं, तो अगर उनके साथ भी यही अंजाम करना है तो फिर गुड लक। तो असल में ख्वाजा आसिफ साहब को जिन वजीर आजम ने वजीर खारजा बनाया उनके कान पकड़ाने चाहिए शायद खाना बासी साहब। ख्वाजा आसिफ साहब इस काम के लिए बने ही नहीं थे। बिल्कुल। अच्छा उनकी उस तकरीर का मैं आपको ये जरूर बताऊं कि जितनी पॉजिटिव फीडबैक पाकिस्तान से मैंने उस तकरीर पे सुनी है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बोल्डली जो है वो सारी अपनी स्टेटमेंट्स वो बिल्कुल जलसे की तरह, तो यहाँ तो उसको बहुत सराहा गया, लेकिन जाहिर बात है कि डिप्लोमेसी में जहाँ आप एक वॉशिंगटन में बैठे हुए तो वो एक फर्क इन्वायरमेंट है, वहाँ फर्क मैसेजेस देने की जरूरत। अच्छा आप आ जाते हैं जी वक्त काम है सर, ये जो माइक पोम्पियो साहब का फोन उसके बाद हमारी वजारत खारजा का एक बयान और उनकी तर्जुमान जो स्टेट डिपार्टमेंट उनका एक बयान, ये कैसे क्या समझा आपने, ये हुआ क्या है और कहाँ गलती हुई? मेरे नज़दीक बहुत ही अननेसेसरी ये एक कंट्रोवर्सी हुई है। पोम्पियो साहब ने आना है, वो पाकिस्तान की नई हुकूमत से इंगेज कर रहे हैं, तो इस वक्त तो ये ज़रूरत थी कि बिल्कुल जो है मूड उसको पॉजिटिव रखा जाता। मुझे लगता है देखिए बात ये कि जो अमेरिका ने वो स्टेटमेंट की बात की ना वो बॉयलर प्लेट है, हर चीज़ में वो बात करते हैं बहुत देर से कर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक फैसला हुआ होता है कि क्या चीज़ आप पब्लिकली बता सकते हैं और क्या आप नहीं बताएंगे, उसमें मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और फिर क्योंकि ये नई हुकूमत है अमेरिका की जानिब से, मुझे नहीं मालूम कि इनसाइड स्टोरी क्या है, लेकिन इस हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत ने मौकफ ये अपनाया हुआ है कि हम जो है वो लाइंग डाउन चीज़ को नहीं लेंगे, हम स्टैंड लेंगे, तो शायद उसके बाद वो रिएक्शन आया। एक तरह से तो ये है कि रिएक्शन ना आता तो शायद ये बात होती ना। दूसरी तरफ अब मसला ये है, असल मसला कि इस पर कौन सही कौन गलत, तो अपनी जगह विजिट जो है बहुत अहम है, वो इसलिए कि वो हिंदुस्तान भी जा रहे हैं अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, पोम्पियो साहब यहाँ आना भी उनका ज़रूरी है, और जब आए तो ये ना हो कि उस पर भी सिर्फ ये नुक्ताचीनी होती रहे। बताइए कभी इमरान खान साहब आए, नई हुकूमत आई, तो क्या तासुर है अमेरिका में? बहुत मनफी, बहुत मनफी। अच्छा। वहाँ तो बिल्कुल कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है इमरान खान साहब की। कुछ ये था कि नवाज शरीफ साहब के जो व्यू था वो वहाँ सराहा जाता था फौज पे, हिंदुस्तान पे वगैरह, लेकिन बहुत ही आगे निकल गए, बिल्कुल कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है। और मैं तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बड़ा ज़रूरी है वज़ीर आज़म को यूएन भी जाना और एक प्रोफाइल बिल्ड करना कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब व्हाट डज ही स्टैंड फॉर, क्योंकि जो बात अमेरिका में सामने आ रही है उससे तो बड़ा मुश्किल है कि कोई भी बातचीत की जाए कि उनको बिल्कुल ही एक नेगेटिव पिक्चर उनकी पेंट की गई। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो खुद मवाक़ा जो है उनके सर पर मंडला रहा है, उनके करीबी दो रुफका जो हैं उन्होंने उनके खिलाफ वफाकी जज जो हैं उनके यहाँ बयान दे दिए, उनका जो पोलिटिकल फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? नहीं जी इस वक्त तो बिल्कुल आपको कंट्रोवर्सी सामने नज़र आ रही है, असल मसला यह है कि अनसर्टेंटी बहुत ज़्यादा है और जब अनसर्टेंटी हो जाए तो मुमालिक के साथ ताल्लुकात में फिर मुमालिक हेज करना शुरू हो जाते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अब इसी कॉल पे बहुत बहस थी कि ट्रंप साहब ने फ़ोन क्यों नहीं किया, सही है, पोम्पियो साहब ने क्यों किया, अब वो वहाँ जो मामलात हैं उसमें पता नहीं ये रेडार पर बात आती भी है कि नहीं, पाकिस्तान किस नंबर पर आता है, अंदरूनी मामला इतने ख़राब हैं। और एक बात मैं आपको ये भी कहूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मामला है जितना भी अहम हो वहाँ पे इस वक्त उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उस पर हम पहले 10 में भी नहीं आते, तो इसलिए अगर पोम्पियो साहब आ रहे हैं तो मेरे नज़दीक ये एक मुस्बत कदम है और जिस तरह भी हो क्योंकि ये ताल्लुक जो है इसको आगे चलाना बड़ा ज़रूरी। अच्छा जी प्रोग्राम वक्त खत्म हो रहा है लेकिन आखिरी छोटा सा सवाल आपसे शामी साहब वो ये कि अब कई जो पाकिस्तानी बाहर मुकीम है अपने अपने शोभा जात में अच्छी खदमा सर अंजाम दे रहे हैं तो पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं, हुकूमत उन्हें ऑफर करे, डॉक्टर साहब आप भी कोई वजारत खारजा में या फॉरन ऑफिस में आपकी खदमात भी दरकार हुई? ये आप शरारत कर रहे हैं मालूमात की बिना पर। देखिए पाकिस्तान हमारा मुल्क है,
ہر کوئی ہم حاضر ہیں, اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, کہاں پہ بیٹھ کے آپ زیادہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کام کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال میرا خیال ہے جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ابھی تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن میں کم از کم یہ ضرور کہوں گا کہ واشنگٹن اور پاکستان کے حوالے سے دیکھیے وہاں تھنک ٹینک میں کوئی ایسی آبجیکٹیو ڈسکشن نہیں ہے, وہ بڑا ضروری ہے, وہاں بھی ہونا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, شام سے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. ناظرین آپ سے اجازت, کل ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.